तो जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के थर्ड T20 इंटरनेशनल मुकाबले में। फाइनल मैच है इस मुकाबले को, जीतने वाला टीम पहुंचेगा यहां पर विजेता के रूप में। तो देखने इंटरेस्टिंग होगा। सूर्य कुमार यादव के साथ मनीष पांडे है क्रीज पर मौजूद और 10 ओवर का गेम प्ले समाप्त हो चुका है। 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर। सदापन लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। 14 मैचेस में 16 विकेट लेकर जो है यहाँ पे टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल सकता है ये गेंदबाज। फिलहाल सूर्य कुमार यादव 20 गेंदे और 32 रन की पारी खेल चुके हैं, टोटल बड़ा है। इंटरेस्टिंग होगा पहली गेंद और विकेट। इस प्रकार की स्टार्ट की जरूरत थी टीम श्रीलंका को, जैसी की बात हुई रही थी, कमाल के गेंदबाज है और विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं पिछले कुछ मैचेस में। सूर्य कुमार यादव को आउट करते हुए यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी थी, हल्का सा ऑफ से बाहर गेंद रखी थी और ड्राइव करना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और लेट टाइमिंग के चलते हुए आसान सा क्या थमा बैठे यहाँ पर बल्लेबाज किशन आएगी बैटिंग करने के लिए। लेफ्ट हैंडेड है और शुरुआती क्षणों में है अपने करियर के, 59 गेंदों में 116 रन की जरूरत। संदकन फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा होगा यहां पर वाइड बॉल। 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर। 200 रनों की जरूरत है। शॉट बैकफुट पॉइंट की तरफ गेंद गई है सिंगल के लिए, स्ट्राइक पर आएंगे मनीष पांडे। ऑफ साइड में 3 फील्डर तैनात बाउंड्री लाइन पे और मिस कर गए इस गेंद को, बढ़िया गेंदबाजी। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के करीब और एक लाजवाब गेंद, इसे भी मिस कर गए। प्रेशर टीम इंडिया के ऊपर, 56 गेंदे 114 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 4 जबरदस्त गेंदे, शॉट हल्का सा बल्ले का एज और थर्ड मैन की तरफ यहां पे चौका मनीष पांडे को। पिछली 2 गेंदे जबरदस्त डाली थी जिसके चलते इस बार मनीष पांडे ने अपने लिए रूम क्रिएट किया था, जानते थे ऑप्शन के बाहर जाने वाली है ये गेंद और कट खेला है कमाल के टाइमिंग के साथ में। फील्डर मौजूद नहीं थे थर्ड मैन के ऊपर तो इस गेंद को 4 रन निकालने में आसानी मिली यहां पे पांडे को। कुल मिला के 6 रन इस ओवर में। अंतिम गेंद, एक और शॉट, इस बार टाइमिंग उतना बेहतर नहीं, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 2 रन निकालते हुए बल्लेबाज मनीष पांडे और किशन। क्योंकि 7 ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति, 92 रन 3 विकेट के नुकसान पे मीडियम पेसर परेरा को स्ट्राइक पे लगाया। कप्तान फील्ड में फिर एक बार बदलाव करते हुए यहां पे 54 गेंदे 108 रन की जरूरत। किशन बढ़िया शॉट डीप मिड विकेट की तरफ और गेंद रोकने का मौका नहीं यहां पर फील्डर को, बहुत ही वेल टाइम और वेल प्लेस शॉट था यहां पर किशन से। स्टार्ट इस ओवर की 4 रन से, यानी कि एक बड़ा ओवर आ सकता है टीम इंडिया के लिए। परेरा फुल लेंथ गेंद थी, पैरों के पास डाली थी और उसको बढ़िया गाइड किया है, हालांकि लॉफ्टेड शॉट था, जानबूझकर खेला गया लॉफ्टेड शॉट था 3 यार्ड सर्कल के फील्डर को बीट करने के लिए। और एक आसान सा चौका किशन को यहां पर, पहली ही गेंद थी परेरा की जिसपे 4 रन बटोरा है बल्लेबाज किशन ने। अच्छी स्टार्ट टीम इंडिया के लिए इस ओवर में। कप्तान फिर एक बार फील्ड में चेंज करते हुए श्रीलंका के, कंफ्यूज हो रहे शायद थोड़ा सा। 53 गेंदे 104 रनों की जरूरत है। शॉर्ट पिच गेंद, बाहर का इशारा वाइड बॉल और साथ में 1 बाउंस भी कहा है यहां पर, यानी कि इस तरह की गेंद एक और बार आप नहीं कर सकते। परेरा, ओ, एक और लाजवाब गेंद, 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कट
करने की कोशिश, चार रन बटोरा किशन ने, फील्डर चेस कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है इनके लिए इस गेंद को रोकना। लेट कट किया था उस गेंद के ऊपर बल्लेबाज किशन ने, समझदारी भरा शॉट, जानते थे शॉर्ट पिच गेंदे लगातार कर रहे हैं, परेरा बिल्कुल तैयार थे बैकफुट से इस शॉट को खेलने के लिए। एक फील्डर गली में मौजूद था जिसे बीट करना जरूरी था वरना ये कैच आउट भी हो जाती। वेल टाइम के साथ वेल प्लेसमेंट यहां पर बल्लेबाज किशन से, इस ओवर का ये दूसरा चौका था। इस तरीके के और शॉट्स की जरूरत टीम इंडिया को अगर इस मुकाबले में जीवित रहना है। लगातार फील्डिंग में बदलाव हो रहे हैं यहाँ पे श्रीलंका के कप्तान की तरफ से। इस चौके की मदद से 100 रन वैसे पूरा हो चुका है टीम का। अच्छी स्टार्ट दिलवा दी यहाँ पे किशन ने इस ओवर में टीम इंडिया को। बेहतर रिप पे जाके लगी है ये गेंद, एक डॉट बॉल करने में सफल हुए यहां पर परेरा। ऑलरेडी 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। शॉट फाइन लेग की तरफ, 4 रन इस ओवर का ये तीसरा बाउंड्री था बल्लेबाज किशन के बल्ले से। समझदारी भरे शॉट्स खेल रहे हैं, भाप ले रहे हैं कि किस तरह की गेंदबाजी आने वाली इनके सामने, जिसके चलते इनको शॉट्स खेलने में आसानी हो रही है। और मैं कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाऊंगा यहां पर श्रीलंका के कप्तान की फील्डिंग प्लेसमेंट से। काफी हल्का मौका दे रहे हैं यहां पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद, एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौका, जबरदस्त ओवर टीम इंडिया के लिए। कुल मिला के 17 रन इस ओवर से, एक बड़ा स्कोर इस ओवर में जो है खड़ा किया है किशन ने। पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाई थी, उसके बाद इस ओवर में रुके नहीं, इस ओवर में 4 रन बटोर के टीम इंडिया को कमबैक दिलवाया इस ओवर में बल्लेबाज किशन ने। 48 गेंदे 91 रन की जरूरत है, 109 पे 3 विकेट टीम इंडिया का स्कोर। फील्डिंग में चेंजेस होते हुए सदा खान फिर एक बार गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे, लास्ट ओवर है अपने स्पेल का, उम्मीद करेंगे विकेट चटकाने में कामयाब रहे। कट शॉट, जबरदस्त टाइमिंग के साथ में गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका। मनीष पांडे ने एक ले पकड़ ली है, सेट हो चुके हैं, नजरें जमा चुके हैं इस क्रीज पर और उसका पूरा बखूबी फायदा उठाते हुए। वॉट अ विकेट गेंदबाजी थी, हल्का सा ड्रिप करवाया था गेंद को और जबरदस्त वहां पे गली के फील्डर के ऊपर से 4 रन निकाला है बल्लेबाज मनीष पांडे ने। जबरदस्त तारीफ करना होगी यहां पर बल्लेबाजों की, अच्छा शॉट्स खेल रहे हैं, हालांकि प्रेशर में फिलहाल टीम इंडिया ही है। फील्डिंग में हर गेंद के बाद बदलाव किए जा रहे हैं, 47 गेंदे 87 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। इंटरेस्टिंग होगा इस गेंद को देखना कि किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद के ऊपर मनीष पांडे। बढ़िया ड्राइव के लिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिंगल के लिए बल्लेबाज मनीष पांडे, 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 46 गेंदे 86 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को। सदकन शॉट स्क्वायर लेग की तरफ, किशन का लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लगातार बाउंड्रीज में यकीन रख रहे हैं। रिस्क हालांकि ले रहे हैं, 30 सर्कल के सर के ऊपर से निकाला था इस बार ये चौका। डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि रिस्की शॉट्स थे लेकिन रिवॉर्ड उस तरीके के यहां पर मिल रहा है किशन को और मेरे हिसाब से जरूरत है अभी फिलहाल टीम इंडिया को इस तरीके के शॉट्स आने की। फील्डर चेस करने में ना क्या मैं भाई, यहां पर फील्ड में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। 118 रन 3 विकेट के नुकसान पे 45 गेंदे 82 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए टीम को। सदकन फिर एक बार और बोल्ड किशन, जो कि बड़े शॉट्स खेल रहे थे, फ्लिपर को भांप ना सके और 9 गेंदों में 21 रन बना के पवेलियन की तरफ जाते हुए मच नीडेड विकेट मिला है टीम श्रीलंका को। यहां पर रीड नहीं कर पाए यहां पर लेग स्पिनर की स्लीपर गेंद को और गेम नीचे रही है, शॉट ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन कंप्लीटली मिस किया है वहां पर। बल्लेबाज संजू सैमसन आएंगे बैटिंग करने के लिए, राइट हैंडेड बल्लेबाज है, 12 मैचेस में 121 रन लगा चुके हैं अब तक के, 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इंटरेस्टिंग होगा देखना यहां पर सुंदरगढ़ किस तरीके गेंदबाजी यहां पर अप्रोच करते हैं। और लाजवाब गेंद डॉट बॉल, अंतिम गेंद, बढ़िया शॉट संजू सैमसन,
ओवर की समाप्ति चौके की मदद से। 42 गेंदों में 78 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहां टीम इंडिया को बात किया था इस गेंद को कि ऑप्शन के बाहर जाने वाली है, खुद को पहले से प्लेस कर लिया था और जबरदस्त शॉट फाइन लेग की तरफ, और वेल प्लेसमेंट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि बाउंड्री लाइन पे फील्डर नहीं था, डीप फाइन लेग के ऊपर तो जबरदस्त बाउंड्री, सिर्फ शॉट बोल सकते हो आप फिलहाल इस ओवर के अंदर का। डी सिल्वा एक ऑफ स्पिनर है, राइट हैंडेड है, 18 मैचेस में 9 विकेट ले चुके हैं, इनके लिए फील्डिंग में फिर एक बार बदलाव किया जा रहा है। 122 पे 4 विकेट, मनीष पांडे बढ़िया शॉट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ सिंगल के लेवल के बाद मनीष पांडे, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 11 के पार। डी सिल्वा बढ़िया, संजू सैमसन फिर एक बार फाइन लेग की तरफ 4 रन निकाल दिया है। इसी तरीके का कुछ शॉट पिछले ओवर में खेला था और सेम शॉट को यहां पे डिलीवर किया इस ओवर के अंदर। फिलहाल टीम इंडिया ये नहीं सोचेगा कि रन कैसे आ रहे, रन आना ज्यादा जरूरी है, स्कोर काफी दूर है जहां तक पहुंचना है, 200 रन तक जाना जरूरी है यहां पे टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। फील्ड में फिर एक बार बदलाव, कप्तान कंफ्यूज नजर आते हुए श्रीलंका के, 40 गेंदे 73 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फ्लिप शॉट पीछे की तरफ सिंगल लेते हुए बल्लेबाज संजू सैमसन, 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डी सिल्वा फिर एक बार पीछे की तरफ फ्लिप शॉट, यहां पे दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश है बल्लेबाज द्वारा, रिस्की रन था लेकिन पूरा कर गए, दोनों ही यंगस्टर हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों से। 130 का आंकड़ा छू लिया है टीम इंडिया ने, रिस्की रिलीव रहेगा ये और वाइड हुआ है ये, चलिए एक एक्स्ट्रा का रन टीम इंडिया के खाते में। फील्ड में बदलाव करने के लिए बार बार मजबूर हो रहे हैं श्रीलंका के कप्तान। दो सौ रनों तक पहुंचना है टीम इंडिया को, बढ़िया शॉट, दो रन की मांग है यहां पे, दूसरा रन रिस्की होगा, क्या पहुंचेंगे पता ना, मुश्किल है यहां पर, और ये रन आउट संजू सैमसन, गजब की फील्डिंग वहां देखने को मिली जिसके चलते एक जबरदस्त विकेट मिला है संजू सैमसन, 4 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ले गए। बल्लेबाज सुरेश अय्यर आएंगे बैटिंग करेंगे, राइट हैंडेड है, 66 गेंदों में 636 रन बना है, माफ कीजिएगा 66 मैचेस में 132 रन 5 विकेट के नुकसान पे टीम इंडिया का स्कोर। मनीष पांडे और सुरेश अय्यर शॉट मिड विकेट की तरफ, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। मजबूत स्थिति में नजर आती हुई टीम श्रीलंका फिलहाल, सुरंगा राइट आर्म लेग स्पिनर गेंदबाज की आंख ले आएगी यहां पर, सुरेश अय्यर के हाथ में है बल्लेबाजी जो कि अपना फर्स्ट बॉल खेलने वाले इस मुकाबले। 200 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। 14 ओवर में 132 तक जा पहुंचा इनका स्कोर, बढ़िया जबरदस्त टाइमिंग यहां पर बल्लेबाज अय्यर से, शुरुआत की इस ओवर की बाउंड्री के साथ में, हालांकि नए बल्लेबाज आए हैं आके जमा के आए ऐसा नजर आता हुआ, पहली ही गेंद टीम की और पहली ही बॉल पर समझदारी भरा शॉट, कीपर का वेल ट्राई लेकिन काफी दूर था फील्डर से यहां पर, और 4 रन निकाल गए बल्लेबाज सुरेश अय्यर। फील्डिंग में फिर एक बार परिवर्तन, 35 गेंदे 64 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। असुरंगा शॉट, दो रन की कॉल वहां पर अय्यर से, इजीली दो रन पूरे कर जाएंगे बल्लेबाज अय्यर। रिक्वायर्ड रन रेट 11 के नीचे आ चुका है, बढ़िया फ्लिप शॉट, फिर एक बार सिंगल लेते हुए बल्लेबाज अय्यर,
39 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर। लेट टाइमिंग हुआ है वहां पर, सिंगल मिलेगा बल्लेबाज पांडे को। असरंगा ने अच्छा कमबैक किया है पहली गेंद पे चौका खाने के बाद। 32 में 60 रनों की जरूरत है। ड्यू करना चाहता हूं इस गेंद को, रिस्की होगा। और चलिए वाइड गेंद हुआ है यहां पे, एक्स्ट्रा का रन मिलता हुआ टीम इंडिया को। समझदारी भरी बैटिंग, वाइड गेंद थी, वाइड इसे होने दिया है। कप्तान फिर एक बार फील्ड में चेंज करते हुए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़े शॉट की जरूरत टीम इंडिया को। बढ़िया, सुरेश अय्यर ने कुछ इसी तरीके का शॉट खेला था पहली ही गेंद पर, और सेम शॉट डिलीवर किया है यहां पर। एप्रिशिएशन मिलता हुआ यहां पर अपनी टीम की तरफ से। टाइमिंग के साथ में प्लेसमेंट भी लाजवाब था, शॉट फाइनल की तरफ, फील्डर नहीं था 30 यार्ड सर्कल में, और आसानी से 4 रन निकाल गए बल्लेबाज अय्यर। मच नीडेड बाउंड्रीज यहां पे फिलहाल टीम इंडिया के लिए, और जरूरत है इस तरीके के शॉट्स आए, क्योंकि अगर इस तरीके के शॉट्स नहीं आएंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी टीम इंडिया के लिए। 145 पे 5 लास्ट बॉल इस ओवर की। सुरेश अय्यर 4 गेंदों में 11 रन पे पहुंच चुके हैं। लास्ट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी, डेफिनेटली यहां पर एक्स्ट्रा का रन यहां पर मिलता हुआ टीम इंडिया को। कप्तान भी कंफ्यूज होते हैं जब इस तरीके की गेंदबाजी होती है, बार बार लाइन और लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है गेंदबाज को। 146 पे 5 लास्ट बॉल हसरंगा की। अय्यर और डॉट बॉल यहां पे 15 ओवर के बाद 146 रन 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज गुनाथ लक्का को गेंदबाजी दी गई, ऑफ स्पिनर है, पार्ट टाइमर के रूप में देखा जाता है इनको, लेकिन क्या कोई सफलता यहां पर दिलाने में कामयाब हो गया अपनी टीम को गुनाथ लक्का। और पहली गेंद डॉट बॉल यहां पे चिस्टॉट गेंदबाज द्वारा। रिक्वायर्ड रन रेट फिर एक बार ऊपर चढ़ता हुआ, लगातार 2 डॉट। लगातार 2 डॉट बॉल, तीसरी डॉट बॉल यहां पर मनीष पांडे के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज 27 गेंदे 54 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने। गुना तिलक का बढ़िया ड्राइव के लिए यहां पे, ओवर की डायरेक्शन में 2 रन लेते हुए बल्लेबाज मनीष पांडे। फील्ड में परिवर्तन, 148 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अपील होगी यहां पे, अंपायर का इशारा नॉट आउट, 2 रिव्यू है श्रीलंका के पास में, डिस्कशन होता हुआ 15 सेकेंड का समय होता है डीआरएस लेने के लिए। जल्दी डिसीजन ले लिया है कि रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे। इंपैक्ट मुझे लग रहा था कि कंफ्यूज कर रहा था वहां पर टीम श्रीलंका को। जबरदस्त ओवर, हालांकि 5 गेंदे केवल 2 रन, शॉट खेलने की कोशिश कंप्लीटली मिस किया। 16 ओवर के बाद 148 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 24 गेंदे 52 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को मुकाबला विन करने के लिए और इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए। हसरंगा पहली ओवर में 14 रन दिए थे, स्टार्ट की है खराब गेंद के साथ, वाइड रन होगा यहां पर और एक्स्ट्रा के रन टीम इंडिया के खाते में। 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर हसरंगा। बढ़िया, उठा दिया है 6 रन के लिए। बैकफुट पॉइंट पे आना के फील्डर मौजूद था, लेकिन बिल्कुल भी डरे नहीं शॉट को खेलने के लिए। जब बल्लेबाज को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है तो समझ सकते हैं इस तरीके के शॉट डिलीवर होते हैं। स्टंप से बाहर गेंद डाली थी वहां पे असरंगा ने, वेल टाइम किया वहां पर बल्लेबाज ने, और मस्ट इंडियन शॉट तो क्योंकि पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो कुछ खास कर नहीं पाए वहां पे टीम इंडिया। फील्ड में परिवर्तन फिर एक बार किया जा रहा है श्रीलंका कप्तान की तरफ से। 23 गेंदे 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने टीम इंडिया को। 5 विकेट हाथ में, फिर से खराब गेंद यहां पर, वाइड होगा ये
इस ओवर का ये दूसरा वाइड है, कप्तान को बात करने की जरूरत यहां पर गेंदबाज। इस प्रकार के शॉट्स गेंदे जरूरत नहीं है फिलहाल डालने की। बढ़िया सुरेश अय्यर, स्पेशली इस तरीके के शॉट्स आज काफी डिलीवर किए हैं जिसपे बाउंड्रीज भी जो है गेन किया है। काफी खुशी हो रही है यहां पर डगआउट में टीम इंडिया के। चार रन बटोरा यहां पर हसल की गेंदबाजी में सुरेश अय्यर ने, जो रिक्वायर्ड रन रेट अब हो रहा था कहीं ना कहीं इस तरीके के शॉट से अब वो डाउन आएगा। फिर एक बार फाइन लेग के डायरेक्शन को टारगेट किया था सुरेश अय्यर ने, और जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है हसरत की तरफ से लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑप्शन से बाहर टारगेट किया जाए या फिर लेग स्टंप को टारगेट किया जाए। फील्डिंग में फिर एक बार परिवर्तन, 22 गेंदे 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने टीम इंडिया को। हसरंगा इस ओवर में काफी महंगे, फिर से एक वाइड गेंद यहां पर इस ओवर का ये तीसरा वाइड। दिशाहीन गेंदबाजी लगातार की जा रही है हसरंगा से, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाएगी यहां पे टीम इंडिया इस तरीके की अगर गेंदबाजी हो। और फिलहाल एक और वाइड गेंद, इस ओवर की यह चौथी वाइड गेंद। हसरंगा के ऊपर प्रेशर साफ नजर आता था, प्रेशर में है, गेंदबाजी खराब कर रहे अय्यर। शॉट ऐसा लग रहा है जैसे कि फाइन लेग की डायरेक्शन को टारगेट बना लिया है अय्यर ने, और मैं कहीं ना कहीं खराब कप्तानी जरूर कहूंगा। जिस प्रकार से अगर आपका गेंदबाज खराब गेंदबाजी कर रहा है आप उसे इस तरीके की फील्ड दे ताकि वो बाउंड्रीज को रोक सके और उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। श्रीलंका की कप्तानी पे थोड़ा यहां पे संदेह किया जा सकता है। फिर एक बार लेग स्टंप की गेंद थी जिसको बिल्कुल टारगेट कर रखा है फाइन लेग की तरफ सुरेश अय्यर ने, उस दिशा में अभी तक फील्डर वहां पर तैनात नहीं किया है कप्तान ने। चलिए इस बार फिर से फील्डिंग में चेंजेस कर रहे हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। टी फाइन लेग पे फील्डर आएगा क्या ना, शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर को लगाया है। 166 रन 5 विकेट के नुकसान पे टीम इंडिया, ऐसी कुछ ओवर की जरूरत थी। एक और वाइड गेंद, आई थिंक इस ओवर का ये चौथा या पांचवा वाइड गेंद है, काउंट करने में भी मुश्किल आती हुई फिलहाल। 167 रन 5 विकेट के नुकसान पर और वाइड, आई थिंक आज हसरंगा वाइड डालने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। काउंट कर लेते तो शायद पता होता कि कितना वो वाइड है। मुश्किलों में हाल फिलहाल टीम श्रीलंका, उठा दिया है स्ट्रोक ओवर की डायरेक्शन में दो रन बटोरते हुए बल्लेबाज अय्यर। स्कोर जा पहुंचा 170 रन 5 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका के 200 रन तक पहुंचने के लिए टीम इंडिया को इस तरीके की शॉट्स की जरूरत थी। फ्लिपर गेंद, रीड नहीं कर पाए थे यार इस गेंद को, कंप्लीटली मिस किया। खुशकिस्मत रहे कि ये गेंद स्टंप्स पे जाके नहीं लगी। लास्ट बॉल उठा दिया है ओवर की डायरेक्शन में, दो रन लेते हुए बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 17 ओवर के बाद 172 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में चेंजेस कंटिन्यू होते हुए गुनाथिलक्का के हाथ में गेंदबाजी ने पहली ओवर में केवल 2 रन दिया था गुनाथिलक्का। शॉट मनीष पांडे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 4 रन बटोरे हैं इस बार और कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज होगा क्योंकि जो पिछले ओवर में एक ओवर में 2 रन जहां पर दिए थे गुनाथिलक्का ने, बल्लेबाजी पे मनीष पांडे ही थे, इसलिए इस बार खुद को चार्ज किया वहां पर मनीष पांडे ने, रिस्क लिया। गली में एक फील्डर मौजूद था उनके 30 यार्ड सर्कल का, फील्डर जो बीट करना था उसको आसानी से बीट करके 4 रन निकाल गए वहां पर मनीष पांडे। फील्डिंग में फिर एक बार परिवर्तन, 17 गेंदे 24 रनों की जरूरत है गुनाथिलक्का। पहली गेंद पे बाउंड्री और दूसरी गेंद दिशाहीन यहां पर वाइड गेंद। पिछले कुछ ओवर से श्रीलंका का टीम काफी ज्यादा वाइड गेंदे यहां पर दे रहा है। 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदे 23 रन की जरूरत है। एक और खराब गेंद जिसका नतीजा वाइड होने वाला है। श्रीलंका पैनिक होती हुई सिचुएशन में
खराब गेंदबाजी, लगातार वाइड गेंदें दी जा रही है यहां पे। 178 रन, 5 विकेट। ओह लाजवाब गेंद, नीचे रही इस बार ये गेंद। 16 गेंदे, 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया पॉइंट की डायरेक्शन में सिंगल के लिए बल्लेबाज मनीष पांडे। शॉट खेलना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ वैसे। 179 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। सुरेश अय्यर, बढ़िया जो शॉट मनीष पांडे डिलीवर करना चाहते थे उसी शॉट को डिलीवर करके दिखाया है सुरेश अय्यर ने। विनिंग नॉक खेलते हुए टीम इंडिया के लिए बल्लेबाज सुरेश अय्यर। ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली थी गेंद, इस तरीके से रीड कर लिया था फील्ड प्लेसमेंट के चलते बल्लेबाज सुरेश अय्यर ने। बिल्कुल रेडी थे इस तरीके का शॉट खेलने के लिए। 4 रन बटोरा है। खराब कप्तानी में बार बार कह रहा हूं श्रीलंका की तरफ से बेहतर फील्डिंग प्लेसमेंट लगाई जा सकती थी और अपने गेंदबाजों का मनोबल भी यहां पर इंक्रीज किया जा सकता था कप्तान द्वारा। 183 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। सुरेश अय्यर फिर से खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी लगातार की जा रही है यहां पे, वाइड होगी। 14 गेंदे, 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने। 184 रन, 5 विकेट, एक और वाइड गेंद। 14 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने। फील्डिंग में फिर एक बार परिवर्तन, कप्तानी पे आज सवाल जरूर उठाए जाएंगे। गुना थिलक्का, ओ डॉट बॉल यहां पे। 13 गेंदे, 15 रनों की जरूरत है। अंतिम गेंद इस ओवर की, लाजवाब कमबैक गुना थिलक्का से, लगातार 2 डॉट बॉल। 12 गेंदे बची है इस मुकाबले की, काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले हो रहा है। सीरीज है दांव पर, एक एक की बराबरी पे है दोनों टीम्स। जो इस मुकाबले को जीतेगा सीरीज भी अपने नाम कर जाएगा। यहां पे कदमों का इस्तेमाल, स्टंपिंग का मौका, अपील होगी। अंपायर का इशारा कि बचे हैं वहां पे मनीष पांडे, संभल कर खेलना होगा। 85 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। शॉट पॉइंट के डायरेक्शन में सिंगल के लिए बल्लेबाज मनीष पांडे अपने 50 की तरफ बढ़ते हुए। पहली गेंद पे बार बार बचे थे मनीष पांडे, स्टंपिंग का चांस था वहां पे। 10 गेंदे, 14 रनों की जरूरत है अभी मुकाबला जीत। फ्लिपर गेंद, अय्यर रीड नहीं कर पाए इस गेंद को और अपना विकेट गंवा बैठे। 15 गेंदे, 33 रन बना के असुरंगा के शिकार बने यहां पे सुरेश अय्यर। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार स्लीपर रीड करने में नाकामयाब रहे और सीधा गेंद जाके ऑफ स्टंप की लगी है। श्रीलंका कहीं ना कहीं इस मुकाबले में कमबैक कर दी। राइट हैंडेड बल्लेबाज बूवी आई के बैटिंग करने के लिए। 9 गेंदे, 14 रनों की जरूरत है मुकाबला जीते। असुरंगा कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर से स्टंपिंग का मौका। मैंने कहा कि बचे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यहां पे भूवी। एक और डॉट बॉल यहां पे, 186 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद, शॉट, 2 रन का कॉल वहां पर बल्लेबाज भूमि से, पूरे कर जाएंगे 2 रन। 6 गेंदे और अब 12 रनों की जरूरत है इस सीरीज के विजेता घोषित हो जाएंगे। लास्ट 6 गेंदे बची है फर्नांडो के हाथ में गेंदबाजी मीडियम पेस। बल्लेबाजी पर रहेंगे मनीष पांडे। इंटरेस्टिंग होगा देखना किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। शॉट और पहली गेंद पर विकेट मनीष पांडे, ना विकेट गंवा बैठे पहली ही गेंद पर। जबरदस्त मुकाबला हो रहा है दोनों टीम्स के बीच में। श्रीलंका एक सेट बल्लेबाज मनीष पांडे 43 रन बनाए थे 39 गेंदों में।
पुल करने की कोशिश थी, ऑलरेडी फील्डर तैनात थे वहां पर। प्लेसमेंट का यहां पर गलत डिसीजन रहा मनीष पांडे की तरफ से, बेहतर कर सकते थे इस गेंद के ऊपर। चहार आएगी बल्लेबाजी करने के, राइट हैंडेड है, फिलहाल स्ट्राइक रोटेशन हुआ है तो 5 गेंदे 12 रन भूमि करेगी सामना। फर्नांडो भूमि को, और बढ़िया शॉट यहां पे, 2 रन का कॉल, भूमि आसानी से पूरे कर जाएंगे, 2 रन 4 गेंदे और अब 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फील्डिंग में फिर एक बार चेंजेस करते हुए टीम श्रीलंका, जबरदस्त इंटेंस गेम प्ले देखने को मिल रहा है दोनों टीम्स की तरफ से। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फर्नांडो और स्लोर वन गेंद जिसको पिक नहीं कर पाए भूमि, डॉट बॉल, 3 गेंदे 10 रन की जरूरत है। फर्नांडो शॉट, 2 गेंदे और अब 8 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने टीम इंडिया को। जबरदस्त इंटेंस थ्रिलिंग गेम प्ले यहां पर हम लोग विटनेस कर रहे हैं। फर्नांडो बढ़िया, लेकिन बाउंड्री वहां पर निकालनी पड़ा है, वो भी 2 रन पूरे किए हैं, लास्ट बॉल है, 6 रन की जरूरत है टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। 194 रन 7 विकेट के नुकसान पे लास्ट बॉल है जिसपे निकालना है 6। शॉट खेलने की कोशिश मिस कर गए और टीम श्रीलंका 5 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। व्हाट अ थ्रिलिंग गेम प्ले हमको यहां पर विटनेस करने का मौका मिला, जबरदस्त गेम प्ले, और इस विन के साथ टीम श्रीलंका ने सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। 199 रन बनाया था श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर, इंडिया का काफी बढ़िया ट्रायल, लेकिन 5 रनों से श्रीलंका इस मुकाबले को अपने नाम किया है। काफी थ्रिलिंग गेम प्ले देखने को यहां पर मिला है हमको दोनों टीम्स की तरफ से शेक हैंड्स होते हुए, और एक जबरदस्त सीरीज का यहां पर एंड होता हुआ। दी सिल्वा मैन ऑफ द मैच बने और डिजर्व करते थे आज के मुकाबले में, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था अपनी टीम श्रीलंका के लिए और जिताया भी अपनी टीम को।